बिहार के बेरोजगार युवा अक्सर सरकार पर यह तोहमत लगाते हैं कि परीक्षा से पहले ही पर्चा आउट हो जाता है, लेकिन इस बार 2024 के चुनावी जंग से पहले ही पर्चा आउट कर भारतीय जनता पार्टी ने जहां एक तरफ तेजस्वी यादव को वहीं जीतन राम मांझी को भी टेंशन दे दिया है। आपको बता दें कि लगातार नीतीश कुमार परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। 2024 की तैयारी में नीतीश कुमार पटना से लेकर दिल्ली तक क्लास कर रहे हैं। इन सब के बीच में आपको बता दें कि जिस तरह से उनका साथ और समर्थन मिल रहा है वो कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में जरूर है। जितने भी या तो हाशिए पर खड़े नेता हैं या फिर जिनका राजनीति लगभग समाप्त हो चुका है, वैसे नेताओं को जोड़ करके नीतीश कुमार किस तरह का गठबंधन बनाना चाहते हैं, ये बात लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि नीतीश कुमार भरोसे के काबिल नहीं है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार में जो महागठबंधन बना था उसके ठीक पहले नीतीश कुमार के साथ साथ जीतन राम मांझी और अन्य जो सात दल हैं तेजस्वी यादव के साथ, उन सारे लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट के तहत बिहार में कैसे सरकार चलेगी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की बात चल रही थी और वहीं कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी बात हुई थी। लेकिन इन सब को धत्ता बताते हुए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आपस में सत्ता सत्ता खेल रहे हैं। कांग्रेस को भी इस बात का लेकर के मलाल है और कांग्रेस के साथ इससे पहले तेजस्वी यादव झटका दे चुके हैं। कांग्रेस को तेजस्वी यादव ने उपचुनाव में प्रतिनिधित्व नहीं दिया और इसके चलते दोनों के बीच में टकराव हुआ। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध खड़ा होने के कारण नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का समर्थन कांग्रेस ने किया है, उसके नहीं समर्थन करने से भी बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता, सरकार तो बन ही जाती। लेकिन कांग्रेस ने फैसला किया कि सारी चीज़ों को भुला करके वो साथ रहेगी। लेकिन अब जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें जीतन राम मांझी और तेजस्वी यादव को ऐसा लगने लगा है, जो भीतर खाने में भारतीय जनता पार्टी अंदेशा लगा रही है, अंदाज़ा लगा रही है कि दोनों ही काफ़ी चिंतित होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को साझा विपक्ष की स्वीकार्यता नहीं मिल पा रही है। विपक्ष इस बात के लिए तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार जैसे नेता आगे लीड करें, क्योंकि नीतीश कुमार कभी भी पाला बदल सकते हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कहा है कि सोनिया गांधी ने भी भाव नहीं दिया है। इन सारी बातों को लेकर के सुशील मोदी ने एक बयान दिया है। सुशील मोदी ने कहा है कि कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऐसा तिरस्कार किया कि इन दोनों को राष्ट्रीय राजनीति में अपनी औकात समझ में आ गई। झेप मिटाने के लिए लालू नीतीश ने हवा में उठे हाथ मिला करके ये बात दिखाने की कोशिश किया कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन सोनिया गांधी ने दोनों को मात्र 20 मिनट में निपटा दिया और बाहर जब निकले तो उनके साथ कोई नहीं था। इन दोनों ने बाहर आकर के फ़ोटो खिंचवा करके और ये बात दिखाने का कोशिश किया कि सब कुछ ठीक ठाक है। कांग्रेस को नीतीश कुमार और उनकी विपक्षी जोड़ी की यात्रा पसंद नहीं है। वहीं आपको बता दें कि अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी, जो कि लंबे समय से अपने राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी नीतीश कुमार के इस यात्रा से किनारा कर लिया है। विपक्षी गठबंधन को बनने के साथ साथ उसके खत्म होने की बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को अपने खेमे में बुलाने की कोशिश कर रही है जो नाराज़ चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमने आपको पहली खबर में बताया भी था कि 2024 का पर्चा आउट होते ही तेजस्वी यादव को इस बात का एहसास हो गया है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नीतीश कुमार के साथ तो नहीं पहुंच सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव को कुछ विशेष सोचना होगा और आगे की रणनीति बहुत सोच समझकर बनानी होगी। वहीं आपको बता दें कि जीतन राम मांझी के भी बहुत सारे अरमान थे, उन अरमानों पर भी पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखना होगा कि इस पर्चा लीक के बाद क्या फैसला करते हैं, आंदोलन करते हैं या फिर परीक्षा फिर से देने की तैयारी नए सिरे से करते हैं तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी और बाकी के महागठबंधन के दल। कई दल महागठबंधन के साथ जुड़ना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया है कि अब इस तीसी में तेल नहीं है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली।
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।